पंजाब के अमृतसर में बंदी छोड़ दिवस के मौके पर स्वर्ण मंदिर में रोशनी से सजाया गया। माना जाता है कि इस दिन सिखों के छठे गुरु हरगोविंद साहिब मुगल बादशाह जहांगीर की कैद से आजाद हुए थे और तभी से सिख समुदाय इस दिन को दिवाली की तरह मनाता आ रहा है। इस खास दिन पर स्वर्ण मंदिर को बेहद खूबसूरती के साथ सजाया गया। झालरों और लाइटों से हुई बेहतरीन सजावट से पूरा स्वर्ण मंदिर जगमगा उठा। हालांकि इस बार कोरोना की वजह से गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं की भीड़ पहले के मुकाबले काफी कम जुटी। तेलंगाना में पटाखों पर हाईकोर्ट के बैन के खिलाफ वीएचपी ने राजधानी हैदराबाद में प्रदर्शन किया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक दिन पहले राज्य में पटाखों के बेचने, खरीदने और उन्हें जलाने पर रोक लगा दी थी, जिससे वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भड़क गए और उन्होंने सड़कों पर उतरकर अपना विरोध जताया। इस प्रदर्शन में बजरंग दल के कार्यकर्ता और कुछ पटाखा कारोबारी भी उनके साथ दिखाई दिए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ नारे भी लगाए। कुछ देर धरने पर बैठने के बाद प्रदर्शनकारियों ने शहर में जुलूस निकालने की भी कोशिश की, लेकिन हंगामा बढ़ता देख पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। प्रदर्शन में शामिल लोगों को पकड़कर पुलिस ने अपनी गाड़ियों में बैठा दिया। राज्य के पटाखा कारोबारियों ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना से बाढ़ की एक डरा देने वाली तस्वीर आई है सामने, जिसमें पानी की तेज लहरों में दरअसल एक पुल समाता हुआ दिखाई दिया। वहां पर पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है और इसकी वजह से वहां की कई नदियां उफान पर आ गई और ऐसी ही एक नदी पर बना पुल बीच से टूटकर पानी में बह गया। हादसे के वक्त वहां एक आदमी खड़ा हुआ नजर आया, जो पुल के टूटते ही वहां से अपनी जान बचाकर भागता दिखाई दिया। पुल टूटने की वजह से कई लोग उसके दोनों तरफ फंस गए। इस हादसे के बाद वहां रहने वाले लोगों का दूसरे इलाकों से संपर्क टूट गया। नदी के किनारे कई मकान भी बाढ़ के पानी में डूबे दिखाई दिए। कुदरत के इस कहर की वजह से वहां के लोगों के सामने अब खाने पीने का संकट पैदा हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर कोलकाता के साल्ट लेक में सेना के जवानों पर बने पूजा पंडाल का उद्घाटन किया गया। इस पंडाल का उद्घाटन बीजेपी नेता सब्यसाची दत्ता ने किया। पंडाल के अंदर अमर जवान ज्योति और सेना के एक टैंक का बड़ा मॉडल भी नजर आया। इसके अलावा जवानों की मूर्तियां भी इस पंडाल के अंदर बनाई गई। प्रधानमंत्री ने आज आपको बता दें, प्रधानमंत्री की तरफ से ट्वीट कर देशवासियों से दिया जवानों के नाम पर जलाने की कल अपील की गई थी। भारत ने जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण करने में एक बार फिर कामयाबी हासिल कर। न्यूज 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि ओडिशा के बालेश्वर से दोपहर करीब 4 बजे इस मिसाइल का परीक्षण किया गया, जिसने हवा में अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगा। ये QRSM यानी क्विक रिएक्शन सर्फेस टू एयर मिसाइल है, जो बहुत तेजी से जमीन से हवा में अपने टारगेट पर निशाना लगा सकती है। परीक्षण के दौरान मिसाइल के टारगेट को रडार के जरिए ट्रैक किया गया और जैसे ही वो रडार की पकड़ में आया तो मिसाइल ने उसे गिरा दिया। कश्मीर में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने कश्मीर में मंगलवार तक मौसम खराब रहने का अनुमान जताया। इस दौरान बर्फबारी का भी अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली पुलिस ने सराय काले खां के पास से हथियार तस्करी के 2 आरोपियों को पकड़ लिया, साथ ही इनके पास से कई हथियार भी बरामद किए गए। अभिनेता चिरंजीवी की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई, इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी। हालांकि चिरंजीवी के मुताबिक पहले वो गलत टेस्ट किट की वजह से पॉजिटिव आए थे। महेंद्र सिंह धोनी ने मध्य प्रदेश के झाबुआ से कड़कनाथ मुर्गों के करीब 2000 चूजे खरीदे। इन मुर्गों को बेचने वाले विनोद रविवार को इनकी सप्लाई करने के लिए खुद रांची जाएंगे। कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके धोनी अपने फार्म हाउस में इन चूजों को पालेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में रूई के गोदाम में अचानक से लग गई भीषण आग। या कैसे लगी इसका पता तो नहीं चल सका, लेकिन कुछ ही देर में इस आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया और जब तक दमकल के कर्मचारी वहां पहुंचते, पूरा गोदाम जलकर राख हो गया। गोदाम से निकलने वाला काला धुआं पूरे इलाके में फैल गया, लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया। आग लगने की जानकारी मिलते ही वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। हालांकि दमकल कर्मियों ने कुछ देर की कोशिश के बाद आग को बुझा दिया। और खाली में 3 गाड़ी लगी है और नगर निगम 8 टैंकर लगे पानी, आग कंट्रोल हो गई। गोदाम में लगी आग फिर से ना फैले, इसके लिए दमकल कर्मी वहां काफी देर तक पानी की बौछार करते दिखाई दिए। आग बुझाने में खुदाई करने वाली एक मशीन की भी मदद ली गई। नागोर्नो कराबाख पर हुए शांति समझौते के खिलाफ अर्मेनिया में जारी बवाल तीसरे दिन भी नहीं थमा। रूस ने जंग में उलझे अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक समझौता करवाया था, लेकिन अर्मेनिया में इसे हार के तौर पर देखा गया, जिसके बाद वहां जोरदार प्रदर्शन शुरू हो गए। सैकड़ों लोग एक बार फिर राजधानी येरवान की सड़कों पर उतर आए और जमकर हंगामा किया।
प्रदर्शनकारियों ने एक सरकारी दफ्तर के अंदर घुसने की कोशिश की, हालांकि वहां तैनात पुलिस वालों ने उन्हें रोक दिया। पुलिस वालों की इस कार्रवाई से लोगों का गुस्सा और भड़क गया, जिसके बाद भीड़ और पुलिस के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। भीड़ को बेकाबू होता देख वहां सुरक्षा बल की कई और टुकड़ियां भेजी गईं, जिन्होंने उस इमारत के बाहर सुरक्षा घेरा बना लिया। आगे बढ़ रहे कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया, कुछ लोगों को तो वहां से खींचकर दूर हटाया गया। हालांकि पुलिस की सख्ती के बावजूद प्रदर्शनकारी शांति समझौते के विरोध में डटे रहे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारत नेपाल सीमा पर स्थित झूला पुल को कुछ देर के लिए खोले जाने के खिलाफ कारोबारियों ने प्रदर्शन किया। भारत और नेपाल के बीच बनी सहमति के बाद इस पुल को कुछ देर के लिए खोलने का फैसला लिया गया था, लेकिन पिथौरागढ़ के कुछ व्यापारियों ने इस फैसले का विरोध और सड़क पर बैठकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही सुरक्षा कर्मी भी वहां पहुंच गए, लेकिन प्रदर्शनकारी वहां से हटने को तैयार नहीं हुए। जो समय समय पुल खुलता है उसका घोर विरोध करते हैं, हम खोलने नहीं देंगे आज से। इस बीच नेपाल से भारत आने वाले कुछ लोगों की भीड़ वहां इकट्ठा हो गई, लेकिन कारोबारियों के प्रदर्शन की वजह से उन्हें वापस लौटना पड़ा। व्यापारियों के विरोध के कारण झूला पुल नहीं खोला गया। नेपाल की सरकार ने इस पुल को पहले 15 नवंबर से खोलने का फैसला किया था, लेकिन अब वहां की सरकार ने इस पुल को खोलने का फैसला एक महीने आगे बढ़ा दिया, जिससे व्यापारियों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। दिवाली के मौके पर खरीदारी के दौरान देश के कई शहरों में लोगों ने कोरोना नियमों को ताक पर रख दिया, जिसकी एक तस्वीर पंजाब के लुधियाना से भी सामने आई, जहां दिवाली की खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोग बाजार पहुंच गए। इनमें ज्यादातर कोरोना से बेखौफ नजर आए। त्योहार का जोश इस कदर हावी था कि दो गज की दूरी तो दूर ज्यादातर लोगों ने मास्क पहनना जरूरी नहीं समझा। इन लोगों के पास मास्क न पहनने के अपने अपने बहाने भी थे। पंजाबी होते हैं ना, जो बहुत ही टेंशन ही रखते। मास्क तो है मेरे पास, अभी आ रहा है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर की तस्वीर भी लुधियाना से जुदा नहीं दिखी, जहां बाजार लोगों से अटा पड़ा नजर आया। सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर, वहां पैर रखने की जगह तक नहीं थी। इसके बावजूद लोग कोरोना से बेपरवाह होकर खरीदारी करते दिखे। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर आई सामने, जिसमें एक हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 20 लोग जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक तेज रफ्तार गाड़ी पलट गई, जिसकी जानकारी मिलते ही वहां अफरा तफरी मच गई, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। कुछ देर बाद पुलिस भी वहां पहुंच गई और एम्बुलेंस को भी बुला लिया गया। सड़क पर घायल पड़े लोगों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर भी बिना देर किए उनके इलाज में जुट गए। 8 लोग स्पॉट पे खत्म हुए, 2 लोग यहां खत्म हुए, बाकी 18-20 लोग हैं। बताया गया कि गाड़ी में सवार ये सभी लोग मोरावन से श्योपुर जिले के विजयपुर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनके साथ यह हादसा हो गया। दिल्ली के रोहिणी इलाके से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें मोबाइल सर्विस सेंटर में एक आदमी ने खुद को आग लगा ली। आग लगाने वाले आदमी का नाम भीम सिंह बताया गया, जिसने हफ्ते भर पहले वहां से एक मोबाइल फोन खरीदा था, जिसमें खराबी आने की वजह से वो काफी परेशान था। उसने मोबाइल सर्विस सेंटर के कई चक्कर भी लगाए। आरोप है कि सर्विस सेंटर ने फोन ठीक करने से मना कर दिया, जिससे परेशान होकर उसने खुद को आग लगा ली। इसके बाद तो वहां जैसे हड़कंप मच गया। खुद को आग लगाने के बाद भीम सिंह नाम का ये आदमी इधर उधर भागने लगा। वो दौड़ता हुआ एक दुकान के अंदर भी घुस गया, जहां लोगों ने उस पर पानी डालकर आग बुझा दी। बाद में वहां मौजूद लोगों ने सर्विस सेंटर के कर्मचारियों पर पचलूकी का आरोप लगाया। बहुत ये इनका रूडली बिहेव होता है। इस घटना के बाद मोबाइल सर्विस सेंटर को फौरन बंद कर दिया गया। थोड़ी देर बाद वहां पुलिस भी पहुंच गई और अपनी जांच पड़ताल में जुट गई। यूपी के इटावा से एक चौंका देने वाली घटना सामने आई, जहां जमीन के विवाद में दो गुटों के बीच हुई हिंसक टकराव ने इलाके को दहशत से भर दिया। बताया गया कि रास्ते को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों गुटों के लोग मारपीट पर उतारू हो गए और एक दूसरे पर पत्थरों से हमला शुरू कर दिया। हमले के दौरान पुलिस भी वहां मौजूद रही, लेकिन इसका लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। सामने आए एक वीडियो में भीड़ में शामिल लोग एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हुए नजर आए। कुछ लोग मकान की छतों पर खड़े होकर पत्थर फेंकते दिखे, जबकि नीचे खड़े लोग उनका जवाब दे रहे थे। हमले के दौरान पत्थर लगने से घायल हुई एक महिला सड़क पर गिरी हुई दिखाई दी। हम लोग रास्ता मांग रहे, 4 वर्ष पुरानी रास्ता है ये, और ये देना नहीं चाहता हमको। वहां मौजूद पुलिस वाले लोगों से बार बार शांति बनाए रखने की अपील करते रहे, इसके बावजूद लोगों का एक दूसरे पर पत्थर बरसाना जारी रहा। मामला बिगड़ता देख कुछ और पुलिस वालों को वहां बुला लिया गया। काफी कोशिश के बाद पुलिस ने लोगों को शांत करवाया। जिन लोगों ने इसमें प्रयास किया है शांति व्यवस्था भंग करने के, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इस हमले में कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल भिजवा दिया गया। अयोध्या में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में सरयू नदी के किनारे दीपोत्सव का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इस कार्यक्रम में सरयू के किनारे दीयों को जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया गया, जिसके तहत सरयू के किनारे 5,84,000 दिए जलाए गए। इन दीयों के जलते ही पूरी अयोध्या जगमगा उठी। घाट के किनारे बने कई मंदिरों में LED लाइट लगाई गई, जिनसे सभी मंदिर रंग बिरंगी रोशनी में नहा गए। ड्रोन कैमरों से ली गई तस्वीरों में सरयू नदी के किनारे राम की पैड़ी और अयोध्या शहर का ज्यादातर हिस्सा दीयों से रोशन नजर आया। बताया गया कि इन 5,84,000 दीयों को जलाने में करीब 30,000 लीटर तेल का इस्तेमाल किया गया। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ और यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी वहां मौजूद रहे। इससे पहले यूपी के मुख्यमंत्री ने राम और सीता की भूमिका में वहां पहुंचे कलाकारों का अभिवादन किया और दीपोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस साल राम मंदिर के शिलान्यास के बाद अयोध्या में दिवाली का ये पहला मौका है जिसे योगी आदित्यनाथ ने ऐतिहासिक बताया। 5 सदी का वह संकल्प पूरा होता हुआ देश और दुनिया देख रहा है, जिसकी हमारी कई पीढ़ियों को प्रतीक्षा थी। दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने सरयू के घाट पर आरती के कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। इस दीपोत्सव कार्यक्रम से पहले सुबह के वक्त अयोध्या में भगवान राम के जीवन पर आधारित झांकियां निकाली गईं। इन झांकियों में वहां के कॉलेजों के छात्रों के अलावा कई कलाकारों ने भी हिस्सा लिया और अयोध्या की सड़कों से गुजरते हुए उन्होंने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। दीपोत्सव कार्यक्रम से पहले भगवान राम के जीवन पर आधारित 11 तरह की झांकियां निकाली गईं। इनमें एक झांकी सीता हरण की घटना पर बनी दिखी तो एक में केवट की नाव पर बैठकर सरयू पार करते राम नजर आए। हर 2 झांकियों के बीच में कई कलाकार भी अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए वहां की सड़कों से गुजरे। राम मंदिर के शिलान्यास के बाद अयोध्या में ये दिवाली का पहला मौका है, इसलिए कई कलाकार इस मौके पर खुशी से झूम उठे। अयोध्या की सड़कों पर इन झांकियों और रंगारंग कार्यक्रम को देखने के लिए लोगों की काफी भीड़ जुटी। लोग सड़क के दोनों तरफ हाथ जोड़ करके भगवान के तमाम प्रसंगों पर आधारित इन झांकियों को देख रहे थे। दीपोत्सव कार्यक्रम के लिए अयोध्या को भव्य तरीके से सजाया गया और शहर के ज्यादातर हिस्से में LED लाइट भी लगाई गई। इसके अलावा भगवान राम के चित्रों और उनकी मूर्तियों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। सीमा पर देश की सुरक्षा में तैनात BSF के जवानों ने दिवाली मनाई। जम्मू के आरएसपुरा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जवानों ने अपने साथियों को मिठाई खिलाकर दिवाली सेलिब्रेट की। जवानों ने इस मौके पर दिए और मोमबत्ती भी जलाई और देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। देश की सुरक्षा में लगे जवानों ने डांस भी किया। इतना ही नहीं, जवानों ने इस दौरान आतिशबाजी भी की। बहुत बढ़िया ढंग से मना रहे हैं, हमारा परिवार यही है कि बॉर्डर पर रहकर भी हम बड़ा अच्छा सबको दिवाली की बहुत बहुत बधाई, सब अच्छा रहे, सुखी रहे। बहुत खुशी से दिवाली मनाई जा रही है और मैं देशवासियों से भी यही अपील करता हूं कि अपने सौहार्द से और बहुत खुशी से इस त्यौहार को मनाएं। हम अपनी ड्यूटी को एक अलर्टनेस के साथ में कर रहे हैं और खुशी अपने परिवार BSF के साथ हम यहाँ बॉर्डर पे अपने परिवार को याद करते हुए हम एक अपने BSF के परिवार के साथ में आज दीपावली की खुशियाँ मना रहे हैं। बिहार चुनाव में 4th नंबर पर रहने वाली कांग्रेस के 2 विधायकों के समर्थक पार्टी दफ्तर में ही एक दूसरे से भिड़ गए। बैठक में 19 सीट जीतने वाली कांग्रेस का विधायक दल का नेता चुना जाना था, लेकिन विधायक दल का नेता बनने के 2 दावेदार खड़े हो गए। दोनों के समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में नौबत धक्का मुक्की की आ गई। कांग्रेस दफ्तर को जंग का मैदान बनने में देर नहीं लगी। कुछ पुलिस वाले कांग्रेस दफ्तर की सुरक्षा में तैनात थे, लेकिन यहां वहां दौड़ती भीड़ के सामने पुलिस वाले बेबस दिखाई देने लगे। गाली गलौज करने लगे, इसमें वो लोग हाथ चला दे इसमें अब दोनों हाथ तरफ से हुआ। जिन 2 नेताओं के समर्थक आपस में भिड़े उनमें एक सिद्धार्थ सिंह है और दूसरे विजय शंकर दुबे। सिद्धार्थ सिंह के समर्थकों ने तो कांग्रेस के बड़े नेताओं को पार्टी टूटने तक की चेतावनी दे दी। मजबूत लोगों को नहीं बढ़ाने के कारण ही पार्टी में टूट की आशंका। नतीजों के 3रे दिन कांग्रेस ने पटना के दफ्तर में नए चुने हुए विधायकों को बुलाया था। बैठक में कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद थे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के एक अस्पताल में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें दूर से ही दिखाई दी। आग से निकला धुआं भी आसमान में छा गया, जिसकी जानकारी मिलने के बाद दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उसको बुझाने में दमकल की कई गाड़ियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। ऑटो सेक्टर कोरोना संकट के असर से बाहर निकलता दिखने लगा है। news18.com की रिपोर्ट है कि अक्टूबर का महीना ऑटो सेक्टर के लिए बेहतरीन रहा। ऑटोमोबाइल कंपनियों के संगठन सीएम के आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर में दोपहिया गाड़ियों की बिक्री सालाना आधार पर 40% बढ़ी। अक्टूबर 2019 में देश में 17.5 लाख दोपहिया गाड़ियां बिक्री थी, लेकिन 2020
20 में अक्टूबर में दुपहिया गाड़ियों की बिक्री का आंकड़ा 20 लाख के पार चला गया। कारों की बिक्री के आंकड़े भी शानदार रहे। अक्टूबर 2019 में देश में 2,71,000 कारों की बिक्री हुई थी, जबकि अक्टूबर 2020 में यह आंकड़ा बढ़कर 3,10,000 के पार चला गया। दुनिया भर के बाजारों में हालात बेहतर होने के संकेत भी मिले, क्योंकि सभी सेगमेंट की गाड़ियों के एक्सपोर्ट में भी उछाला है। गाड़ियों के एक्सपोर्ट में बढ़त करीब 10% की। केदारनाथ धाम को फूलों से सजाया गया। दिवाली पर उत्तराखंड में केदारनाथ धाम को फूलों से सजाया गया। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों और प्रदूषण की समस्या पर सियासत जारी है। इस बीच सीएम अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि कुछ दिनों पहले तक कोरोना के मामले काबू में थे, लेकिन बढ़ते प्रदूषण से हालात बिगड़ गए। और इस कोरोना के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण इस टाइम प्रदूषण है। सीएम की इस दलील पर बीजेपी और हमलावर हो गई और उसने सरकार पर नाकामी का आरोप लगाया। सब मामलों में दिल्ली सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में पीएसी के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में 5,000 से ज्यादा सिपाहियों को हवलदार रैंक दी गई। डोनाल्ड ट्रंप से विवादों के बीच चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीतने पर जो बाइडेन को बधाई दी। दिल्ली में दिवाली के दिन आखिरी मेट्रो रात 10 बजे रवाना होगी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना के जवानों ने मशाल जलाकर पाकिस्तान को दी चेतावनी। भारतीय सेना के जवानों ने 200 मशाल जलाकर पाकिस्तान को चेतावनी दी कि उसकी हर हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारतीय सेना कुपवाड़ा में अब तक 160 आतंकियों को ढेर कर चुकी है। सीमा पर भारत से उलझा चीन अपने खतरनाक कुत्तों को खास ट्रेनिंग दे रहा है। चीन की सेना की तरफ से एक नया वीडियो सामने आया, जिसमें उसके पैराट्रूपर एक कुत्ते को आसमान में सैकड़ों फीट की ऊंचाई से नीचे कूदने की ट्रेनिंग देते नजर आए, जिसके लिए कुत्ते को जरूरी उपकरणों से लैस करने के बाद विमान से आसमान में ले जाया गया। इस उड़ान के दौरान कुत्ता बिल्कुल शांत दिखा। जैसे ही जहाज तय ऊंचाई पर पहुंचा, एक सैनिक ने कुत्ते को गोद में उठाया और नीचे कूद गया। कुछ ही देर में पैराशूट खुला और कुत्ता सैनिक के साथ आराम से उड़ता नजर आया। हवा में भी वो घबराया नहीं। थोड़ी देर बाद दोनों ने सुरक्षित लैंडिंग भी कर ली। बताया गया कि यह कुत्ता पहली बार स्काई डाइविंग कर रहा था, जिसके लिए उसका एक खास सूट डिजाइन कराया गया था। साथ ही उसके अंदर से ऊंचाई और तेज आवाज का डर निकालने के लिए कई दिन तक ट्रेनिंग भी कराई गई थी। इजराइल की सीमा से लगी गाजा पट्टी में इस्लामिक जिहाद नाम के एक चरमपंथी संगठन ने रैली निकालकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। ये रैली उसके कमांडर की पहली बरसी पर निकाली गई, जिसे इजराइल की सेना ने पिछले साल मार गिराया था। और उसी की याद में इस्लामिक जिहाद नाम के इस चरमपंथी संगठन ने रैली निकालकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। इस रैली में उसके लड़ाके कई गाड़ियों में सवार होकर पूरे शहर में हथियार लहराते हुए घूमते नजर आए। इसके जरिए सभी ने इसराइल को भी सख्त संदेश देने की कोशिश की। इस रैली में उसके कई समर्थक भी शामिल हुए, जो सड़कों पर आगजनी करते नजर आए। बाहा अबू अलता नाम के जिस कमांडर की याद में ये रैली निकाली गई, वहां उसके कई पोस्टर भी दीवारों पर लगे दिखाई दिए। दीपावली पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर देश को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक मंगल कामनाएं। ये दिवाली सभी के लिए प्रकाश और खुशी लेकर आए। सभी लोग समृद्ध और स्वस्थ रहें। गृहमंत्री अमित शाह ने भी दीपावली पर देश को शुभकामनाएं दी और अमित शाह ने अपने ट्वीट में क्या लिखा, आइए आपको दिखाते हैं। उन्होंने लिखा, दीपावली का ये पवित्र पर्व सभी देशवासियों के जीवन में सुख और समृद्धि लाए। सभी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। दिल्ली के मुख्यमंत्री सीमा से लगी गाजा पट्टी में इस्लामिक जिहाद नाम के एक चरमपंथी संगठन ने रैली निकालकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। यह रैली उसके कमांडर की पहली बरसी पर निकाली गई, जिसे इसराइल की सेना ने पिछले साल मार गिराया था। और उसी की याद में इस्लामिक जिहाद नाम के इस चरमपंथी संगठन ने रैली निकालकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। इस रैली में उसके लड़ाके कई गाड़ियों में सवार होकर पूरे शहर में हथियार लहराते हुए घूमते नजर आए। इसके जरिए सभी ने इसराइल को भी सख्त संदेश देने की कोशिश की। इस रैली में उसके कई समर्थक भी शामिल हुए, जो सड़कों पर आगजनी करते नजर आए। बाहा अबू अलता नाम के जिस कमांडर की याद में यह रैली निकाली गई, वहां उसके कई पोस्टर भी दीवारों पर लगे दिखाई दिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज अपनी कैबिनेट के साथ अक्षरधाम मंदिर में लक्ष्मी पूजन करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने आज शाम 7:39 पर अक्षरधाम मंदिर में लक्ष्मी पूजन का कार्यक्रम रखा है। लक्ष्मी पूजन में दिल्ली की जनता को जोड़ने के लिए दीपावली पूजन का पूरा कार्यक्रम ऑनलाइन होगा। अक्षरधाम मंदिर में लक्ष्मी पूजन का लाइव टेलीकास्ट भी किया जाएगा।
दिवाली के मौके पर इस बार देश के कई शहरों में लोगों ने चीन के सामान से दूरी बना ली। उनमें कोलकाता भी शामिल रहा। हालांकि बाजार में हर साल की तरह चीन की झालर और सजावट के सामान मौजूद हैं, लेकिन सीमा पर जारी तनाव का असर दिवाली की खरीदारी पर भी देखने को मिला। दुकानदारों से कई लोग भारतीय सामान पूछकर ही खरीदारी करते दिखाई दिए। हमारा त्यौहार है, भारतीय त्यौहार है, तो हम क्यों चाइना का सामान लेंगे। बाजार में चीन की झालरों के साथ ही भारतीय दिए भी खूब नजर आए। अलग अलग आकार के दियों की मांग बढ़ने से दुकानदारों के चेहरे खिल गए। कुछ दुकानदारों ने तो चीनी सामान का पूरी तरह बहिष्कार करने की भी मांग की। अगर चाइनीज प्रोडक्ट्स आना बंद होगा तभी इंडियन मार्केट ग्रो करेगा। हालांकि कोरोना संकट के बावजूद दिवाली के मौके पर बाजार में काफी भीड़ भी देखी गई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में हनुमानगढ़ी में जाकर दर्शन किए। अयोध्या में और ये देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हनुमानगढ़ी, जहां उन्होंने दर्शन किए हैं। तो दीपावली के मौके पर हनुमानगढ़ी पहुंचे हैं, अयोध्या का हनुमानगढ़ी जहां पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो कल जिस तरीके से एक अद्भुत नजारा, जब अयोध्या लाखों दियों के साथ जगमगाती नजर आई, तमाम जो घाट थे वो दियों से जगमगा रहे थे। तो इस सब के बीच मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ, और अब ये हनुमानगढ़ी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूजा अर्चना करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो अयोध्या वासियों के लिए आज इस बार की दिवाली बेहद खास है। आपको याद होगा कुछ ही महीनों पहले भूमि पूजन भी हुआ है, और इस बार एक बार फिर से विश्व रिकॉर्ड बना जब लाखों दियों के साथ अयोध्या नगरी, खासकर घाटों को बेहद खूबसूरती के साथ सजाया गया। अजीत हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। अजीत, और क्या जानकारी? देखिए बिल्कुल, कल 6,01,000 दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। तो वही अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर रुके हुए हैं। सुबह सुबह वो कार्तिकपुरम गए थे और अब हनुमानगढ़ी पहुंचे हैं, क्योंकि आज हनुमान जयंती होती है, वहाँ कार्यक्रम मनाया जाता है हनुमानगढ़ी में। तो वहां पहुंचे हैं और भगवान, चूंकि बजरंग बली के बहुत बड़े साधक हैं योगी आदित्यनाथ, तो पूजा पाठ करेंगे, और पूजा पाठ करने के बाद ट्रस्ट के मेंबरों से कार्तिकपुरम में मुलाकात कर राम की पैड़ी का एक बार निरीक्षण करेंगे, और वापस 9:30 बजे वो गोरखपुर के लिए चले जाएंगे। और आज वहाँ बनटांगिया समाज के लोगों के बीच जो गरीब तबके के लोग हैं उनके साथ वो दीपावली मनाएंगे। बिल्कुल, तो ये कार्यक्रम अजीत हमें बता रहे थे, लेकिन जिस तरीके से हनुमानगढ़ी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कितनी देर तक यहां पर अजीत रुकेंगे, और इस बार की दिवाली क्यों अयोध्या वासियों के लिए खास है? देखिए बिल्कुल गायत्री, इस बार की दिवाली अयोध्या वालों के लिए खास है, क्योंकि कई सारे विश्व रिकॉर्ड बनाए, और इसके साथ ही जिस तरह आपने देखा कि अयोध्या के हर घर, हर मठ, हर मंदिर, हर घाट पर दिए जले, और जिनके पास दिए नहीं थे या गरीब तबके के लोग थे उनको प्रशासन ने दिए और तेल दोनों वितरित किए। इसके साथ ही 2,500 करोड़ रुपए अयोध्या को दिए गए हैं। अयोध्या के 50 किलोमीटर वाराणसी की तरफ और 50 किलोमीटर लखनऊ की तरफ इसको डेवलप किया जा रहा है। कोई भी श्रद्धालु जब आएगा तो उसे 50 किलोमीटर पहले इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि वो धर्म नगरी अयोध्या में त्रेता ही वाली अयोध्या में। और कल रात का जो नजारा था बिल्कुल बेहद आकर्षक था। छत्तीसगढ़ की टीम जो आई थी, जहाँ की राजा दशरथ की रानी कौशल्या यानी राम की जो माँ थी, वहां से जो रामलीला की टीम आई, जिसमें रावण से लेकर राम तक सभी कलाकार महिलाएं, जिनको 54,000 रुपए का पुरस्कार भी सीएम ने दिया। तो इसलिए अयोध्या के लिए विकास की तर्ज पर और धार्मिक नगरी के तौर पर दोनों तरह से अयोध्या के लिए कल बेहद खास दिन था, और हर साल अपना रिकॉर्ड सरकार तोड़ रही है। पिछली बार 4.5 लाख, इस बार 6 लाख, अब अगली बार सीएम ने कहा है कि इस रिकॉर्ड को हम और बड़ा करेंगे। बिल्कुल, हर बार ये रिकॉर्ड टूटता जाएगा, और जब भव्य मंदिर तैयार होगा उसके बाद किस तरीके से अयोध्या में दिवाली मनाई जाएगी उसका भी इंतजार सभी को है। लगातार अजीत हमारे साथ बने हुए, ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हनुमानगढ़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूजा की, दर्शन किए, क्योंकि आज के दिन दीपावली के दिन जब बड़ी दीपावली मनाई जाती है तो हनुमान जी की पूजा के साथ शुरुआत होती है, और उसी अंदाज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी में जाकर पूजा की और दर्शन किए। इस बीच आपको बता दें बीजेपी ने 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रभारियों और सह प्रभारियों की सूची जारी की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। यूपी में 2 साल बाद 2022 में विधानसभा का चुनाव होना है। वहीं भूपेंद्र यादव को बिहार विधानसभा चुनाव और गुजरात उपचुनाव में पार्टी के अच्छे प्रदर्शन का
इनाम मिला है। उन्हें फिर से बिहार और गुजरात का प्रभारी बना दिया गया है। भूपेंद्र यादव के प्रभारी रहते बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया। पार्टी को 74 सीटों पर जीत मिली और वो एनडीए के सबसे बड़े दल के रूप में सामने आई। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी अपनी कमर कस ली है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के नेता कैलाश विजयवर्गीय पर भरोसा जाहिर किया, उन्हें फिर से पश्चिम बंगाल का प्रभारी बना दिया गया है। अमेरिका की सत्ता छोड़ने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को एक बार फिर बड़ा झटका दे दिया। फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की 31 कंपनियों में अमेरिकी निवेश को रोकने वाले आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए। ये 31 कंपनियां वो हैं जो किसी रूप में चीन की सेना से जुड़ी हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने इन कंपनियों में निवेश पर रोक लगाकर सीधे चीन की सेना पर हमला बोला। माना जा रहा है कि ट्रंप के इस आदेश से चीन को काफी नुकसान हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल अगले साल 12 जनवरी को खत्म होगा। उनका ये आदेश उससे ठीक एक दिन पहले यानी 11 जनवरी से लागू हो जाएगा। कपिल देव ने सभी को दिवाली की बधाई दी। कपिल देव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर सभी को दिवाली की बधाई दी और अपनी सेहत ठीक होने की बात कही। Happy Deepavali to everybody. I'm healthy. I'm happy. Heart is working good. पाकिस्तान में नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने इमरान सरकार को फिर घेरा और आरोप लगाया कि पिछले साल जब वो जेल में बंद थी तो उनके बाथरूम में कैमरा लगाया गया था। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने साफ किया कि वो बिहार में एनडीए का हिस्सा बनी रहेगी। इससे पहले उनकी पार्टी के कुछ नेताओं ने दूसरे दल से गठबंधन का न्योता मिलने का दावा किया था। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती के घर पर कुछ दूसरे दलों के साथ एक बैठक हुई। इसमें वहां होने वाले जिला विकास परिषद के चुनावों पर चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ सरकार ने बिलासपुर के एसपी राहुल शर्मा की आत्महत्या के मामले में एक जांच टीम बना दी। 5 सदस्यों की इस टीम की अगुवाई राज्य के डीजी जेल संजय पिल्ले करेंगे। दावा है कि 2012 में राहुल शर्मा ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान परिवार के साथ विदिशा पहुंचे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अब इस दौरान लक्ष्मी पूजन की और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान खेतों में ट्रैक्टर भी चलाए। अपने इस दौरे पर मुख्यमंत्री ने सभी लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दी और कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करने की नसीहत दी। चीन के माओमिंग से सांसें रोक देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें एक बच्चा हाईवे पर घुटनों के बल चलता हुआ पहुंच गया। इस बीच उस हाईवे से लगातार गाड़ियां गुजरती रही। आशंका जताई गई कि घर के सदस्यों की गैर मौजूदगी में वो वहां पहुंच गया जिससे उसकी जान खतरे में पड़ गई। जिसका वीडियो भी सामने आया जिसमें हाईवे के बीचों बीच वो नादान बच्चा बैठा दिखा। तभी सामने से आ रहा एक ट्रक उसके बेहद करीब पहुंच गया और उसके ड्राइवर के लिए इतने कम वक्त में ब्रेक लगाना मुश्किल हो गया। हालांकि उस ट्रक ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए बच्चे को बचाने के लिए ट्रक को बाईं ओर मोड़ लिया जिससे वो बच्चा बाल बाल बच गया। उसके कुछ ही देर बाद ट्रक के पीछे आ रहे एक कार सवार ने वहां गाड़ी रोकी और उस बच्चे के पास भागकर पहुंचा। उसने बच्चे को वहां से उठाकर सुरक्षित जगह पहुंचाया। भारत बांग्लादेश सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने दिवाली के मौके पर बांग्लादेश के जवानों को बधाई दी। दोनों देशों के जवानों ने इस मौके पर एक दूसरे को मिठाई भी दी और मोमबत्तियां भी जलाई। अलग अलग मौकों पर दोनों देश के जवान एक दूसरे को मिठाई देते रहते हैं और इससे दोनों ओर से शांति बनाए रखने में मदद मिलती है। द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए सीमा पर भारत और बांग्लादेश के बीच मिठाई का आदान प्रदान एक पुरानी प्रथा है। बीएसएफ और बांग्लादेश के जवान दिवाली, ईद, होली, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे मौकों पर मिठाइयों और शुभकामनाओं का आदान प्रदान करते हैं। महाराष्ट्र के भिवंडी के एक कारखाने में भीषण आग लग गई। आग कैसे लगी फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन कुछ ही देर में आग ने पूरे कारखाने को अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते कारखाने से तेज लपटें उठने लगी जबकि उससे निकलने वाला धुआं पूरे इलाके में फैल गया। जल्द ही पुलिस और दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग बुझाने में जुट गईं। आग की वजह से कारखाने में रखा लाखों का कच्चा माल और वहां मौजूद मशीनें जल गईं। गनीमत यह रही कि कारखाने की आग में कोई घायल नहीं हुआ। हादसे की वजह अभी साफ नहीं है, हालांकि पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी। पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग में धूमधाम से मनाई गई दिवाली। इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय उच्चायोग की ओर से किया गया जिसमें कई बड़े अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। उनके साथ उनके परिवार वाले भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। इस मौके पर भारतीय उच्चायोग को खास तरह से सजाया गया था। सभी लोग कार्यक्रम का जमकर लुत्फ उठाते नजर आए। उन्होंने वहां खूब डांस भी किया। बिहार में जीत के बाद बीजेपी बंगाल के कई शहरों में जुलूस निकालने पर
टीएमसी भड़क गई। बिहार में एनडीए की वापसी के बाद अब बीजेपी की नजर अगले साल होने वाले बंगाल के चुनाव पर है। यही वजह रही कि पार्टी नेताओं ने बिहार में मिली जीत की खुशी में बंगाल के कई शहरों में विजय जुलूस निकाले। इन शहरों में उत्तर 24 परगना भी शामिल है, जहां बीजेपी कार्यकर्ता बैंड बाजे के साथ सड़कों पर उतरे, जबकि कोलकाता में पार्टी कार्यकर्ताओं ने नारे लगाते हुए जुलूस निकाले। इन नारों के जरिए बीजेपी ने टीएमसी को चुनाव के लिए ललकारा और ये संदेश दिया कि वो बंगाल में बिहार से बड़ी जीत हासिल करेगी। बिहार तो बच जाती है, बंगाल बाकी है। बीजेपी ने जैसे ही ये जुलूस निकाला टीएमसी की त्योरियां चढ़ गई और उसने इस बात को नकार दिया कि बिहार के नतीजों का बंगाल पर असर होगा। इस चुनाव का बंगाल इलेक्शन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन बीजेपी को उम्मीद है कि बिहार के पड़ोसी राज्य बंगाल में भी वो कमाल करेगी। बिहार जनता ने जो इतना बड़ा हमें बहुमत दिया है, उसका एक प्रभाव बंगाल पे पड़ना बहुत स्वाभाविक है। इससे पहले बिहार में हुई जीत के जश्न के मौके पर प्रधानमंत्री ने भी बंगाल में राजनीतिक हिंसा की बात छेड़ी थी। माना जा रहा है कि उन्होंने अपने इस बयान से बंगाल की चुनावी तैयारियों की नींव रख दी। मध्य प्रदेश के इंदौर में रुई के गोदाम में लग गई अचानक से भीषण आग। आग कैसे लगी इसका पता तो नहीं चल सका, लेकिन कुछ ही देर में इस आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। और जब तक दमकल के कर्मचारी वहां पहुंचते, पूरा गोदाम जलकर राख हो गया। गोदाम से निकलने वाला काला धुआं पूरे इलाके में फैल गया, लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया। आग लगने की जानकारी मिलते ही वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। हालांकि दमकल कर्मियों ने कुछ देर की कोशिश के बाद आग को बुझा दिया। और खाली में 3 गाड़ी लगी है और नगर निगम 8 टैंकर लगे पानी, आग कंट्रोल हो गई। गोदाम में लगी आग फिर से ना फैले, इसके लिए दमकल कर्मी वहां काफी देर तक पानी की बौछार करते दिखाई दिए। आग बुझाने में खुदाई करने वाली एक मशीन की भी मदद ली गई। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में आई बाढ़ में करीब 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लापता बताए जा रहे हैं। एटा तूफान की वजह से राज्य में इतनी भारी बारिश हुई कि कई इलाके बाढ़ में तबाह हो गए। और एक जगह तो इस तबाही का मंजर मीडिया के कैमरे में लाइव रिकॉर्ड भी हो गया। This is incredibly scary! इलाके में बाढ़ से हुई बर्बादी को दिखाने के लिए एक टीवी चैनल की टीम इस ब्रिज से रिपोर्टिंग कर रही थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसका उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। This is incredibly scary! ढहे हुए ब्रिज की तस्वीर एक दूसरे इलाके से भी सामने आई। बाढ़ की वजह से कई इलाकों का तो भूगोल बिल्कुल बिगड़ ही गया। बताया गया कि कुछ जगह 10 इंच तक बारिश हुई, जिसकी वजह से नदी के पानी ने ऐसा तांडव मचाया कि सड़कों और जंगलों में सैलाब आ गया। शहर के बीचों बीच से नदी गुजरने लगी। इतना पानी सड़क पर आ गया कि गाड़ियां उसमें डूब गई। कुछ लोग तो इस सैलाब में बह गए और उनके घर वालों की उनकी फिक्र में जान सूखने लगी। बताया गया कि बचाव दल ने राज्य में अलग अलग इलाकों से 150 से भी ज्यादा लोगों को बचाया और लापता लोगों की तलाश अब भी जारी है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारत नेपाल सीमा पर स्थित झूला पुल को कुछ देर के लिए खोले जाने के खिलाफ कारोबारियों ने प्रदर्शन किया। भारत और नेपाल के बीच बनी सहमति के बाद इस पुल को कुछ देर के लिए खोलने का फैसला लिया गया था, लेकिन पिथौरागढ़ के कुछ व्यापारियों ने इस फैसले का विरोध और सड़क पर बैठकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही सुरक्षा कर्मी भी वहां पहुंच गए, लेकिन प्रदर्शनकारी वहां से हटने को तैयार नहीं हुए। जो समय समय पुल खुलता है उसका घोर विरोध करते हैं, हम खोलने नहीं देंगे आज से। इस बीच नेपाल से भारत आने वाले कुछ लोगों की भीड़ वहां इकट्ठा हो गई, लेकिन कारोबारियों के प्रदर्शन की वजह से उन्हें वापस लौटना पड़ा। व्यापारियों के विरोध के कारण झूला पुल नहीं खोला गया। नेपाल की सरकार ने इस पुल को पहले 15 नवंबर से खोलने का फैसला किया था, लेकिन अब वहां की सरकार ने इस पुल को खोलने का फैसला 1 महीने आगे बढ़ा दिया, जिससे व्यापारियों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। त्योहारों पर मिठाइयों में होने वाली मिलावट को रोकने के लिए एमपी के हरदा में प्रशासन की एक टीम ने मिठाइयों की कई दुकान पर छापा मारा। मिलावट करने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे इस अभियान से उनमें अफरा तफरी मच गई, क्योंकि प्रशासन के कई अधिकारी अपनी टीम के साथ एक एक कर मिठाइयों और मावे की कई दुकानों पर पहुंचे, जहां उन्होंने दुकानदारों से बारीकी से पूछताछ की। मिठाई की एक दुकान पर खुद एसडीएम मिठाइयों के डब्बों की जांच करते नजर आए। मावा बनाने वाली एक दुकान पर पहुंची टीम ने वहां से उसके सैंपल भी जाँच के लिए इकट्ठा किए।